Hello students, I'm Dr. Lata Agarwal. Today we are going to introduce about topic Bhakti Movement in India, part 6. Today we are going to study main or salient feature of Bhakti Movement. Do you know what was this? It was unity of God or one God through known by different name. Bhakti, intense love and devotion, the only way to salvation. Self surrender to God. Repetition of true name. Condemnation of ritual, ceremony and blind faith. Rejection of idol worship by many saints. इस प्रकार हम बता सकते हैं कि भक्ति आंदोलन मूलतः जो भी संत हुए रामानुज से लेके मीराबाई तक मध्यकाल में उन्होंने सामाजिक समानता पर जोर दिया, बाह्य आडंबरों का खंडन किया, एकीश्वरवादी विचारधारा का प्रचार किया और उन्होंने लोक भाषा का प्रचार किया, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी वहाँ के लोकल थे वो लोकल डायलेक्ट को जानते थे, इसलिए लोक भाषाओं के प्रचार के कारण भक्ति आंदोलन बहुत ही तीव्रता से प्रसारित हुआ और लोगों ने इसको स्वीकार किया। हालांकि दो प्रकार की भक्ति थी, सगुण और निर्गुण, और तीसरी भक्ति जो गुरु नानक ने प्रारंभ की थी एकेश्वरवाद की भक्ति, जिसमें कबीर निर्गुण और एकेश्वरवाद से प्रेरित थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों ने मूलतः निवृत्ति मार्ग का विरोध किया। उनके अनुसार भक्ति के लिए घर गृहस्थी को छोड़कर सन्यासी होना कतई आवश्यक नहीं था। अधिकांश संतों ने हिंदू मुसलमानों में विद्यमान पारस्परिक मतभेद के स्थान पर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि इनको ना तो राज्यश्रेय प्राप्त था ना उच्च वर्ग का समर्थन। यह एक जनवादी आंदोलन था। भक्ति आंदोलन क्या था? जनवादी आंदोलन था, और जनवादी आंदोलन के अंतर्गत जनता ने इसको पूर्ण सहयोग दिया और सभी के लिए बिना किसी छुआछूत के, अस्पृश्यता के, सामाजिक धार्मिक जातिगत भेदभाव के, सभी के लिए इस आंदोलन के उपासना करना या इस प्रणेता या ईश्वर की उपासना करने के लिए स्वतंत्र थे। इस प्रकार इसका महत्व देखते हैं, यह जन आंदोलन एक इतना प्रभावशाली था, जन जन में के दिलों में यह ने प्रभावित किया। इसकी सबसे बड़ी देन सार्वभौम मानवता के आधार पर धर्म और संस्कृति के समस्त सूत्रों को एकत्रित करना रहा है। सभी संतों ने बहुदेववाद, बाह्य आडंबर, धार्मिक पाखंड, कर्मकांड, जातिपात, ऊंच नीच की भावना, बंधन, पुरोहित वर्ग की प्रमुखता का विरोध किया और अंधविश्वास जो घर कर गए थे उनसे वो मुक्त होने लगे, और परिणाम स्वरूप हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। इसके केवल राजनैतिक जागृति का काम ही नहीं किया अपितु राजनीतिक पुनर्जागरण के बीज भी इसने बो दिए। फारसी और अरबी साहित्यकारों के दिल्ली के सुल्तान जो आश्रयदाता थे, जिन्होंने कभी भी संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन नहीं दिया, आगे जाकर के हिंदी और संस्कृत दोनों को स्थान प्राप्त हुआ। भक्ति आंदोलन का महत्व मूल्यांकन करने का जो प्रयास किया गया है उसके अंतर्गत हिंदू धर्म समाज में सुधार लाना और एकता कायम करना प्रमुख रहा। इस प्रकार हम देखते हैं गुरु पूजा को इस्लाम की जो देन बताई जाती है न्याय संगत नहीं है। गुरु भक्ति की परंपरा उपनिषद काल में विकसित हुई। भक्ति आंदोलन के संतों में कबीर और नानक के ऐसे संत हुए जिनके विचारों पर इस्लाम का प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं, हालांकि भक्ति आंदोलन को इतनी सफलता नहीं मिली, पर लेकिन सगुण और निर्गुण भक्ति के रूप में, जन आंदोलन के रूप में एकता की कल्पना
सार्थक सिद्ध हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन एक अनुपम सांस्कृतिक अभ्युत्थान का दर्शन था।